और आखिरकार वो घड़ी आ गई जब सुषमा स्वराज का पार्थिव शरीर भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर में अंतिम दर्शन के बाद अब उस अंतिम जगह पर जा रहा है जहां पर वो पंचतत्व में विलीन होंगे। यहां करीब ढाई घंटे तक भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर पर उनका पार्थिव शरीर रखा रहा, जहां पर लोगों का जमावड़ा लगा रहा, तमाम पार्टियों के नेताओं का यहां पर जमावड़ा रहा, अंतिम दर्शन किया, लोगों ने श्रद्धांजलि दी और कुछ इस तरीके से आप देख रहे हैं एम्बुलेंस इस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के हेडक्वार्टर से निकल करके अब पहुंच रहा है लोधी रोड पर, उस जगह जहां पर वो पंचतत्व में विलीन होंगी। सुषमा स्वराज एक ऐसी महिला, एक ऐसी पत्नी, एक ऐसी बेटी, एक ऐसी माँ, एक ऐसी नेता जिनको लेकर के आज हर शख्स की आंखें नम है। हर शख्स ये कह रहा है कि सुषमा स्वराज ने जिस तरीके से आसमान की बुलंदियों को छूने के साथ साथ अपने आप को जमीन से जोड़ करके रखा, आज यही वजह है कि देश का हर शख्स दिल से रोता हुआ महसूस हो रहा है, दिखाई दे रहा है। भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर से कैमरा पर्सन राघिब के साथ जब्बार खान, R9 TV।